महापर्व के रूप में आप सभी एक जगह इकट्ठा हुए हैं। आज पूरे भारतवर्ष में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी लोग एक जगह झंडा तोलन का उत्सव मनाते हैं। यह दिन आज पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो सभी सबसे पहले तो अपने राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रगान की शुरुआत करके हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो सभी अपने सीट पे खड़ा हो जाए। झंडा ऊपर रखिएगा भैया, सबको झंडा ऊपर कर लीजिए। सीटी मारने के बाद स्टार्ट कर दीजिएगा। आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज हमारे पूरे भारत में आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विदेशों के गुलामी से आज़ादी मिली थी और इसके अथक प्रयास से हमारे जवानों के बलिदान से ये आज़ादी मिली थी, जिसकी वजह से आज हम लोग आज़ाद कहीं भी जहाँ कहीं भी हम लोग घूम फिर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ये आज़ादी 15 अगस्त 1947 को दिया गया था, जिसके कारण आज हम एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, अपने मन से जो काम है वो कर सकते हैं। तो उन सभी के प्रेरणा से स्रोत मिलकर हम लोग आज जवानों के शुभ अवसर पर ये दौड़ का प्रोग्राम रखे। 15 अगस्त 1947 के दिन ही हमारे देश में स्वतंत्रता का जो मुख्य श्रेय जाता है वो दो पार्ट में जाता है। एक तो हमारा नरम दल के लोग थे और दूसरा गर्म दल के लोग। इसमें से गर्म दल के लोग जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, ये सब महान हमारे क्रांतिकारी थे जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। और उसी तरह हमारे नरम दल के लोग थे सुभाष चंद्र बोस वगैरह वगैरह। आज का दिन खास हम लोग इसी प्रोग्राम से रखे थे कि हमारे अंदर, हमारे जवानों के अंदर अगर नरम दल के लोग सिर्फ होते तो हमारा देश आज आज़ाद नहीं होता। इसलिए हमारे अंदर जो युवा पीढ़ी के खून दौड़ते हैं जिसकी वजह से हम आज़ादी को अपने चंगुल में आज़ाद करके देश को बनाया। और उसे आज़ादी से हमें क्या मिला, एक संयुक्त राष्ट्र जिसमें एक अपना संविधान बना, अपने नियम कानून बने। उसके बाद हमारा देश पूरे विश्व में उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। इस तरह से हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले इस दौड़ कंपटीशन जो 1600 मीटर का रखा गया था वो फर्स्ट रैंक लाए थे उस अंडा के एक व्यक्ति जिसको नाम से ही स्पष्ट है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के नाम से इन्होंने मात्र 4:43 और 50 के बीच अपना 1600 मीटर का दौड़ पूरा किया। तो कृपया ट्रैक्टर कुमार स्टेज पे आए।
कुमार के लिए जोरदार तालियां। लगभग 100 से 120 लड़कन के बीच में इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया, इसके काबिले तारीफ है। मतलब कि यहाँ पे जितने भी बैठे हुए प्रतिभागी हैं वो सभी एक तरह से जुनून वाले हैं, उन सभी को दौड़ते कूदते फांदते वो आगे निकलकर अपने फर्स्ट रैंक को हासिल किया। इसमें बहुत बड़ी मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा। हम जानते हैं ट्रैक्टर कुमार से क्या ये खास वजह है जिसकी वजह से पूरे प्रतिभागियों में सबसे आगे आए हैं, तो बताइए दोस्तों को क्या वजह है आप इतना अच्छा परफॉर्म करके अपने फर्स्ट रैंक हासिल किया। मेरे को दीजिए आगे निकल जाऊंगा और मैं मार दूंगा, ये सोच गलत है। सबसे बड़ा सा हिम्मत होता है, ठीक है। मैं टारगेट यही लेगा, फिर कितना भी बंदा मेरे से आगे निकल जाए मैं लास्ट तक धरने का कोशिश करूंगा। मैं अपना बस एक्सेस फुल कर दिया और मैं धरने में पास कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें से आप ये बताएं कि आप ये दौड़ कंपटीशन कब से स्टार्ट किए और कितना समय लगा आपको इतना कम समय में मैनेज करने में, वो सभी प्रतिभागी जानना चाहते हैं। बहुत ही मैं जब से रनिंग 16 से कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है यही, मेरी पहली मैं आर्मी ट्राई करता हूँ, मैं दो बार तीन बार स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे का लड़की कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। जितनी मैं आर्मी ट्राई करूँगा मैं बहुत अच्छा लैंक पर चल जाऊँगा। मेरा फिजिकल अच्छा है, मेरा ये मैं रनिंग में अच्छा रूट लाइन में थोड़ा लंबा रूट दौड़ता हूँ, जब भी मैं दौड़ता हूँ लंबा रूट दौड़ता हूँ। यानी मेरे उससे क्या होता है, मेरा हाफ हाफनी का कंट्रोल क्षमता है, हमें रनिंग करने का तरीका मालूम है, कैसे रनिंग होता है, लंबा खाने का मेरा तरीका होता है। इनका फोटो है, आप जितना ज़्यादा रनिंग का लिमिट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका हफनी जो है घटेगा और तभी आप 1600 मीटर आसानी से पा सकते हैं बिना हफे। और साथ ही साथ उनका कहना है कि आप चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि तुरंत रनअप आपका सही हो जाएगा। इन्होंने बताया कि 2016 से ये प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, 2016 से आज 2020 हो गए 4 साल, और जिसमें कि इन्होंने आर्मी दौड़ में 2 बार सिलेक्शन हुआ। मेडिकल अनफिट होने के कारण ये बार बार छटे, लेकिन सफलता आपके कदम चुने, मैं आपको बधाई देता हूँ और साथ ही साथ आपका इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी के। बात करते हैं सेकंड रैंक जो कि वो भी भूसंडा के ही है, साथ में एक ट्रैक्टर है तो दूसरा डब्बा है, संजय कुमार। चलिए इनसे भी हम कुछ राज की बात जानते हैं, क्या है ये खास बात, आप यही रहिएगा, ये खास बात जो हर बार भूसंडा के लोग ही टॉप आते हैं, क्या वजह है? पिछले बार दौड़ जो था 50 स्टूडेंट का था, 50 प्रतिभागियों का था, जिसमें से फर्स्ट रैंक गौतम कुमार लाए थे, सेकंड ईशु था और थर्ड आकाश था। तो आज के इस दौड़ में 100 से 120 लड़के में ये सेकंड रैंक संजय कुमार ने लाया, तो जानते हैं इसकी खास वजह। और ये भी कुछ कम नहीं थे, बस 4-5 सेकंड से पीछे रह गए, लेकिन ये भी बहुत ही बेहतरीन, जिसका 4:50-51 में इनका दौड़ पूरा हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग पल होगा जब इन्होंने अपना सफलता हासिल किया। तो जानते हैं संजय कुमार से, कृपया बताएं दोस्तों को क्या वजह रही आपने सेकंड रैंक हासिल किया। सभी को स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप लॉन्ग
और इतना दूरी का डिस्टेंस लेकर दौड़ते हैं। इनका रेंज है 5 से 10 किलोमीटर और आप लोग स्टेज बनाए हैं 1600 का, तो ये कभी हासिल नहीं हो सकता। आप जितना बड़ा लक्ष्य रखिएगा सफलता उसके थोड़ा सा तो नीचे मिल ही जाएगा, तो इसलिए लक्ष्य हमेशा बड़ा सोचिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सफलता के आगे पहुंचेगा, सफलता के नजदीक पहुंचेगा। अगर लक्ष्य कम होगा तो उससे भी कम आपको मिलेगा। घर में देखते होंगे कि बचपन में होता क्या था, आप पेरेंट्स से 10 रुपया मांगते थे तो आपको 5 रुपया मिलता था। बस उसी तरह यहाँ भी है कि अगर आप एम 10 किलोमीटर का रखिएगा तो 5 किलोमीटर जरूर हासिल कर लीजिएगा। चलिए अब बारी है 3rd डिवीजन की, जिसमें पंकज कुमार हब्बीपुर का नाम रोशन किए। पंकज कुमार ने भी लगातार कठिन परिश्रम से मात्र 4 सेकंड से पीछे रहे। 2-4 सेकंड कोई बड़ी मायने नहीं रखती है मिनट, लेकिन सेकंड इन्होंने भी इतना ज्यादा हिम्मत किया कि इन्होंने 3rd डिवीजन लाया। शुरू में वे पीछे थे लेकिन बाद में उन्होंने आगे निकलकर सभी को पछाड़ दिया। तो जानते हैं पंकज कुमार से क्या वजह है। चलिए शुभकामना की बधाई आपको भी। इन्होंने 4 से 5 किलोमीटर दौड़ने का प्रयास करते थे, बार बार पहाड़ पे पर डे पहाड़ जाते हैं, उसके साथ और भी प्रक्रिया से खेतों में भी जाते हैं। चलिए ये बात है कि हमारे बीच रह कर खेतों में काम कर ये आर्मी के दौड़ के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं। आपके लिए हार्दिक बधाई, आप इससे भी बेहतर लाकर फर्स्ट रैंक हासिल करिएगा, क्योंकि ये सेकंड आपका जो दौड़ था ये 15 अगस्त को रखा गया। आगे 3rd दौड़ भी होगा लेकिन आप इसके तैयारी करते रहें, आपको सूचना दे दी जाएगी। अब हो सकता है कि और ज़्यादा रेंज तक 5 किलोमीटर तक आप लोग को दौड़ाया जाए, तो अब जो भी सिलेक्शन होगा आप सोचिएगा कि 5 किलोमीटर की दौड़ हम आगे निकले। तो ये आप लोग के लिए एक संदेश है कि 5 किलोमीटर से कम दौड़ मत करिए, ताकि आप मंजिले वहाँ पे पहुँच सके जहाँ आपके इरादे हैं। चलिए बात करते हैं 4th रैंक की सुरेंद्र कुमार हब्बीपुर। इन्होंने भी काफी ज्यादा मेहनत करके 4th रैंक लाए हैं। चलिए इनसे भी जानते हैं, हब्बीपुर का नाम रोशन किए, आपको कैसा लग रहा है पहले बताएं दोस्तों को। सभी दोस्तों के तो बताएं कि आप 4th रैंक लाए, आपको खुशी हुई खुशी नहीं हुई, लेकिन आप बताएं कि क्या वजह रही कि आप 4th रैंक लाए, कैसे पिछड़ गए जरा बताएं दोस्तों को। देखिए थोड़ा पेट में दर्द था इसीलिए काम नहीं था, काम ज्यादा लंबी दूरी इधर 1600 दौड़ते हैं। तो देखिए हम अभी बताए हैं कि 5 किलोमीटर वाले यहाँ पे सभी जो है 5 और 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, आप 1600 दौड़ते थे, तो ये वजह रही। आप खेल को मत ध्यान दीजिए, बल्कि आपने 1600 लिमिट रखा था इसलिए फोड़ता है। 5 किलोमीटर अगर रेंज रहता आपका फर्स्ट रैंक लाते है ना। चलिए अब 5th रैंक की बात करें, गौतम कुमार खरपुरा से है, उसके लिए फोड़ता हूँ। ये पिछले बार का फर्स्ट विनर थे लेकिन इस बार पिछड़ गए। कोशिश करते हैं इनको समस्या जानने की, आखिर 5th रैंक कैसे आया। उनका 1st रैंक एम था और इन्होंने भी 5 किलोमीटर पर डे, और पर डे आप ये 3 किलोमीटर मतलब 3 मंथ में इन्होंने इतना अच्छा रैंक हासिल किया, काबिले तारीफ है, जोरदार तालियां। इन्होंने बताया 2016 से, एक ने बताया 2019 से, और ये 2020 में ही स्टार्ट किया और इतना अच्छा रैंक लाया, काबिले तारीफ है इनका ये दौड़।
चलिए ये भी 2020 से ही स्टार्ट किए हैं, लेकिन कब से, कौन सा मंथ? जनवरी। तो ये मतलब अभी 8-7 महीना हो गया इन लोग का, और इनका क्या है 3 महीना से स्टार्ट किए। उस तो वजह रही कितना मेहनत करते हैं, जानते हैं इनसे। आपको भी शुभकामना, मैंने शायद थोड़ा कम मेहनत किया, अगली बार और मेहनत करूँगा। किसी को हराने में बिलीव नहीं करता, मैं खुद जीतने में बिलीव करता हूँ। ये मैं नहीं सोचता कि कोई कैसे हराऊँ, ये सोचता हूँ कि मैं कैसे जीतूँ, और इसीलिए मेरा स्ट्रेटजी यही है कि मैं कैसे जीतूँ। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मैं किसी को हराना नहीं है, मुझे खुद जीतना है। इसमें बिलीव करें, आप एक दिन सक्सेस जरूर हो। और एवरीथिंग इज पॉसिबल इन हार्ड वर्क, तो शायद अगली बार और मेहनत करके मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा। मैंने मुझसे ज़्यादा मेहनत किया, फर्स्ट रैंक लाया, अगली बार मैं मेहनत करूँगा उससे ज़्यादा। चलिए ये मानते हैं कि हमने प्रैक्टिस कुछ कम किए हैं, देर से स्टार्ट किए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब अगर मान लेंगे कि जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो कोई मार्शल आर्ट आपको रोक नहीं सकता आपके आगे बढ़ने में। इसलिए अब हिम्मत नहीं हारिए और कठिन परिश्रम करते रहिए। चलिए अब बात करते हैं 6th रैंक की जोगिंदर कुमार हबीबपुर। आइए, ये हबीबपुर के हैं, सभी का हबीबपुर की प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई। 3रा नंबर पे है ये हबीबपुर का स्टूडेंट में। चलिए जानते हैं इनसे भी, आप 6th पोजीशन लाए और फिर भी आपको मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ये वजह बताइए कि आपका ये परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, और आप अपने दौड़ से संतुष्ट हैं? नहीं, क्यों नहीं है, अपने दौड़ से संतुष्ट? अच्छा, और आगे आना चाहते थे, तो ये वजह क्या थी कि आप पीछे रह गए? स्टार्टिंग से आप पीछे थे, लेकिन फिर भी 6th रैंक लाए। चलिए इनके लिए जोरदार तालियां, मेहनत करके इन्होंने आगे निकाला, और पीछे लगे थे लेकिन आगे निकल कर 6th पोजीशन पर आए। और सभी को थोड़ा बधाई दे दीजिए, और आप सभी के लिए भी ये 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। चलिए अब लास्ट है 7th रैंक, जिसका नाम है गौतम कुमार। एक और गौतम कुमार है, आइए हबीबपुर, ये भी है। चलिए 4th पोजीशन है, हबीबपुर का 4th लड़का है। ये सभी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, इनका गैंग है समझिए। यहाँ पे ज़्यादातर आर्मी वाले ही सिलेक्ट होते हैं, हबीबपुर और गोविंदपुर वाले लड़के। तो चलिए इनसे भी वजह जानते हैं, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा हबीबपुर, बताइए अपनी बात कि आप 7th पोजीशन पे आए, कैसा लग रहा है? ठीक है, चलिए इनको भी बात सुनते हैं कि आपने अभी बहुत अच्छे मेहनत किए, 100 से 120 लड़के में 7th पोजीशन हासिल किए, कम नहीं है। इसलिए आपने जो टाइमिंग दिया था उसमें से शायद 5:10 और 5:15 में आपने पूरा किया। जानते हैं इसके वजह क्या बात रही? आप बहुत कम समय से तैयारी कर रहे हैं, क्या हो गया? तो 4 मंथ आपका हुआ है ना। अच्छा आप बताएं कि आप आर्मी की दौड़ कर रहे हैं ना, तो उसमें आपका सबसे पहले क्वालिफिकेशन बताइए आप सभी को। चलिए बीए पार्ट 1 का स्टूडेंट है, और इन्होंने अपने पढ़ाई के साथ साथ दौड़ पे भी फोकस किया है, तो कम नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ दौड़ पे भी ध्यान दे रहे हैं। लॉकडाउन में इन्होंने शुरू किया, और लॉकडाउन के वजह से इन्होंने इतना बेहतर परफॉर्मेंस किया। स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद ही इन्होंने पूरी तरह जी जान लगा कर दौड़ पे ध्यान दिया, और आज 7th रैंक हासिल किया। चलिए दौड़ जोरदार तालियां। चेक करते हैं एक और, पिछला वाले दौड़ में 3rd डिवीजन आए थे, गलती से किन्हीं और को मेडल मिल गया था, लेकिन उनके लिए एक जोरदार ताली। आकाश कुमार,
इस कमांडर से ये पिछले वाले 2 अगस्त को दौड़ हुआ था, इन्होंने सेकंड रैंक हासिल किया था मात्र, थर्ड रैंक हासिल किया था मात्र 2:05:15 में, 5:15 टाइम इनका मिला, 5:15 में इन्होंने पूरा कर दिया और आज वो 5:15 सेवंथ रैंक लाया है। तो बताएं इनको आप, इनके इनको आज कि आप आज क्यों पीछे रह गए, थर्ड डिवीजन आने के बाद आप में जोश होगा कि हम फर्स्ट लाए, लेकिन आप कुछ रैंक हासिल नहीं कर पाए, वजह बताएं दोस्तों को। तो आप अगर आर्मी में जाएंगे तो यहाँ 100 है ना, 300 का बैच दौड़ाता है, 400 इस बार 450 का बैच था, 450 बैच में आपको एक लाइन में 30 बच्चे होंगे। तो याद रखिएगा, अगर अभी आप इस दौड़ में हदस गए या पीछे रह गए तो वहाँ आप गिर जाइएगा, और गिर जाइएगा तो आपको कोई देखने वाला नहीं है वहाँ, और पुलिस लोग आर्मी लोग क्या करेगा, डंडा से मार कर भगाएगा। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारिए और पहले से आप एकदम कठिन परिश्रम के बदौलत आप हिम्मत नहीं हार के बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए बहुत अच्छा, जोरदार तालियां, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इससे प्रतिभागियों के अंदर जोश बढ़ता है। आप इसी तरह से तालियों से इनका स्वागत करते रहिए ताकि इनका मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहे। चलिए अब बात करते हैं सेवंथ रैंक गौतम कुमार हब्बीपुर का, उनको सम्मानित किया जाए। सेवंथ रैंक गौतम कुमार, जोरदार तालियां हब्बीपुर। इसके बाद है सिक्स्थ रैंक जोगेंद्र कुमार, जोरदार तालियां, तालियां कम नहीं होनी चाहिए। अब है फिफ्थ राउंड गौतम कुमार, गौतम कुमार उनके पिता भी आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे उनके पिता भी आए हुए हैं, कृपया उनको स्टेज पे स्वागत करने के लिए तालियां बजाएं, तालियों से स्वागत किया जाए। रुकिए रुकिए वहाँ पे, ओके पूरा लेना ठीक है, ठीक है आइए। अब चलते हैं अगले कंटेस्टेंट की ओर, नाम है सुरेंद्र कुमार हब्बीपुर, जोरदार तालियां। चलिए बारी है थर्ड रैंक की, तालियां कम नहीं होनी चाहिए, थर्ड डिवीजन पंकज कुमार, थर्ड डिवीजन है हब्बीपुर। चलिए अब चलते हैं सेकंड रैंक की ओर, गुसंडा के हैं संजय कुमार, जोरदार तालियां, सिल्वर मेडल, सेकंड रैंक, फर्स्ट रैंक है गोल्ड मेडल, जो कि ट्रैक्टर, ट्रैक्टर नाम से ही स्पष्ट है, बिल्कुल बुलेट से भी तेज, आइए गोल्ड मेडल इन्हें दिया जा रहा है। प्राइज पंकज कुमार, जोरदार तालियां।
फोटो खिंचवा लेते हैं। और फर्स्ट प्राइज है ट्रैक्टर कुमार। फर्स्ट प्राइज हिप हिप हुर्रे। बहुत ही जबरदस्त प्रतिभागी है, इन्होंने पूरे अथक प्रयास से फर्स्ट रैंक लाए हैं, इसलिए तालियों से इनका स्वागत करते रहे आप सभी प्रतिभागी। पेपर वाला बढ़िया से लीजिएगा। झंडा ऊपर रख ले ना, झंडा ऊपर कर ले रहा हो। भारत माता के जय, भारत माता के जय, वीर भगत सिंह के जय, सुभाष चंद्र बोस के जय, खुदीराम बोस के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा फोटो